हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अभी वीडियोज़ कम आ रही है, एक्चुअली ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मैंने न्यू चैनल भी बनाया हुआ है, उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। कई बार होता है कि एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिल जाती है तो दूसरे चैनल से मिल जाएगी। उस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैंने एक वीडियो डाली है और उसमें 50 सब्सक्राइबर आ भी चुके हैं। नया ही बिल्कुल चैनल है, एक ही वीडियो अभी उसमें डाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को साथ में जरूर प्रेस करना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और बताना चाहूंगी, इस रिक्रूटमेंट के अलावा 2019-20 की नई वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, जिसमें आपके स्टेट की वैकेंसीज अलग आई है और की अलग। उसको मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर अपडेट कर दिया है विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वहां पर विजिट करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और किसी भी जॉब की तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई वैकेंसीज के बारे में, किस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है, क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताई गई है। और सबसे अच्छी बात है, आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन आपने की हुई है, डिप्लोमा, सब के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है। सो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर अप्लाई करते वक्त भी कोई दिक्कत आ रही होगी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। पोस्ट नेम देखिए, इसमें अलग अलग तरह की वैकेंसीज आउट हुई हैं, जैसे कि सोशल वर्कर की है, कंसल्टेंट की है, असिस्टेंट की है, डेटा एनालिस्ट की है, केयर टेकर की है, केस वर्कर की है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर और लो कम प्रोबेशन ऑफिसर की है, पैरामेडिकल स्टाफ की है, नर्स स्पेशल यूनिट में है, आउटरीच वर्कर की वैकेंसीज है। उसके बाद देखिए, अकाउंटेंट की है, अकाउंट्स ऑफिसर, हाउस फादर, हाउस मदर की वैकेंसीज आउट हुई है। और यहाँ पे एप्लीकेशन देखिए, कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मतलब एप्लीकेशन फीस शायद नहीं होगी, इसलिए इन्होंने नोटिफिकेशन पे मेंशन नहीं की हुई है। एज की जो लिमिट है, अगर आपके मिनिमम 18 साल है आप अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 45 प्लस, 5 से 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको अलग से दिया जाएगा, जो कि एज पर रूल्स रहेगा, जो इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 45 प्लस रिलैक्सेशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया एज लिमिट के बारे में, अभी मैंने दोबारा भी आपको क्लियर कर दिया है कि रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। और सैलरी इसमें आपकी एज पर डिपार्टमेंट रूल्स रहेगी। क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था, 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है। और ये दोनों लिंक देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स 2019-20 की वैकेंसीज के, यहाँ पे क्लिक करके आपको सारी वैकेंसीज ब्रीफ में यहाँ पे बताई गई है। आपके स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग, और साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया गया कि अप्लाई किस तरह से करना है। सेकंड जो आप लिंक देख पा रहे हैं, ये है स्टडी मटेरियल का, यहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। अप्लाई करना शुरू हो चुका है, लास्ट डेट अप्लाई करने की है 21 दिसंबर 2019 तक आपको इजीली अप्लाई कर लेना है। लास्ट में इंपॉर्टेंट लिंक्स आप देख पा रहे हैं, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके, क्लिक हेयर जहाँ पे लिखा है उस पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर लेना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का सेकंड वाला लिंक है, यहाँ पे डाउनलोड करके आपको अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। सो लिंक मैंने आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे जाके सारी नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना, डाउनलोड करके फिर आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। वीडियो को करिए लाइक, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।